तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक देख चुके थे कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो आया था आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर, और जहाँ पे पी था पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो उसके लिए हम ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसका डिफरेंशियल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पी। सो डी आई बाई डी पी इक्वल्स टू 2 sin p अपॉन p। ये देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पे इसके स्क्वायर में 2 बाहर आ गया, 2 sin p अपॉन p। और चूंकि ये x तो है नहीं, तो इसका एक बार और करना पड़ेगा जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसका साइन पी अपॉन पी का हम करेंगे तो ये आ जाएगा पी कॉस पी माइनस साइन पी अपॉन पी स्क्वायर। हाँ, ये वही वाला फॉर्मूला है जो रेशो का होता है, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये उस फॉर्मूले से हमने इसका इक्वेशन नंबर वन का डिफरेंशियल कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि डिफरेंशियल जो है वो कांस्टेंट का जीरो होता है, और कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट नहीं होता बल्कि मैक्सिमा या मिनिमा, ये दो चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी का डिफरेंशियल जीरो है तो वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन निकालने के लिए इस डिफरेंशियल को जीरो के इक्वल मान लेते हैं। अब नो डाउट ये 2 भी है, इधर जाके जीरो हो गया, मतलब हमारे पास बचा केवल साइन पी अपॉन पी, और ये ब्रैकेट बचा हमारे पास पी कॉस पी माइनस साइन पी अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब इनमें से एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। कैसे पता लगाएं? तो देखिए ऐसे पता लगाते हैं कि अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब दोनों जीरो हो सकते हैं, तो अगर हम साइन पी अपॉन पी को जीरो माने, तो देखिए इक्वेशन नंबर वन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो फ्रॉम वन जैसे ही आप इसको रखेंगे आई जीरो आ गया, इंटेंसिटी जीरो, मतलब ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है मिनिमा को। इसका मतलब ही दूसरा जो होगा वो अपने आप मैक्सिमा को शो कर रहा है, तो ये मैक्सिमा को और ये मिनिमा को शो कर रहा है। अब बात ये है कि जो साइन पी अपॉन पी है वो जीरो कब होता है? तो ये जीरो तब होता है, एक हमारे दिमाग में आइडिया आएगा कि पी जीरो कर दे। तो अगर आपने पी जीरो किया तो साइन जीरो अपॉन जीरो टेंड्स टू वन, ये लिमिट कहती है। तो मतलब पी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो फिर और क्या होगा? तो और में फिर हम देखते हैं पाई टू पाई, हाँ ये सब रखने पे ये जीरो होता है। तो इन जनरल हम कहते हैं कि इफ पी इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, देन साइन पी अपॉन पी बिकम जीरो एंड इंटेंसिटी बिकम जीरो, मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। अब पी की वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर टू पे है हमारे पास, तो इसको अपन रख दें यहाँ पे पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई। तो ये पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, कि जब पाथ डिफरेंस, ए साइन थीटा हम भूले नहीं, ए साइन थीटा मतलब है पाथ डिफरेंस, तो जब पाथ डिफरेंस एम लेमडा के इक्वल हो। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट एम इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि एम जीरो होगा तो फिर अपन देख रहे हैं कि ये पी जीरो ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा इन सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। इसको आपको याद रखना है क्योंकि कई बार कुछ छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें अगर मिनिमा पे बेस्ड न्यूमेरिकल है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब हम आते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी। तो अब हमको पता चल गया कि भाई ये सेकेंड टर्म है, ये तो मैक्सिमा का है, तो अब हम इसको जीरो करते हैं। पी कॉस पी माइनस साइन पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये हो गया पी कॉस पी माइनस साइन पी इक्वल्स टू जीरो, या पी कॉस पी इक्वल्स टू साइन पी, और इसको फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं टेन पी इक्वल्स टू पी।
तो अब यहाँ पे देखिए आप कि 10p इक्वल्स टू पी, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, सॉल्व कैसे होगा, यहाँ भी पी है इधर भी पी है। तो इसके लिए जो मैथमेटिक्स में एक मेथड होती है कि आप इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को दो इक्वेशन में बदले, तो हमने बदल दिया वाई इक्वल्स टू पी एंड वाई इक्वल्स टू 10p, ये दो इक्वेशन में हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन पे हम लेके एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ, नो डाउट दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ आएंगे, वो दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, वही सॉल्यूशन होगा। तो अब हम यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लेते हैं इस तरीके से, और ये ग्राफ पेपर में ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे आप पी लेंगे और यहाँ पे नो डाउट वाई रहेगा। तो यहाँ पे ये कुछ हम इस तरीके से पहले से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ये तो हमारा ओरिजिन है, ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया 5 पाई बाय 2, और बीच में यहाँ पे क्या आएगा पाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई। तो अब आप देखिए वाई इक्वल्स टू पी तो ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हो गया वाई इक्वल्स टू पी। अब दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करना, तो आप देखिए कि अगर पी जीरो है तो पी जीरो है तो वाई भी जीरो होगा, मतलब ये आ गया डॉट यहाँ पे। अब अगर पी इक्वल्स टू पाई बाय टू तो मतलब 90 डिग्री, तो 10 90 इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट, मतलब ये यहाँ कहीं इनफाइनाइट पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट आएगा, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट और इसको हम मिला देते हैं तो ये ग्राफ ऐसा आ गया, ये इस तरीके से खींच गया। अब आगे बढ़िए, पी इक्वल्स टू पाई तो वाई अगेन जीरो, पी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 तो वाई इनफाइनाइट, मतलब आप देख रहे हैं जीरो इनफाइनाइट जीरो इनफाइनाइट, तो मतलब ये सारे ग्राफ ऐसे ही आते जाएंगे। ये हमको एक आइडिया लग गया और ये ग्राफ हमने इस तरीके से सारे ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है थोड़ा सा हम देखते हैं इसको कि कहाँ कहाँ पे हमको इंटरसेक्ट, एक तो ये इधर पे हो रहा है, एक हम देख रहे हैं इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इधर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट जो है आप नज़दीक है 3 पाई बाय 2 के और ये नज़दीक है 5 पाई बाय 2 के, मतलब हमको एक तो जीरो पे सोल्यूशन मिला, फिर 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यहाँ से हमको एक आइडिया मिला कि सारे ऑड नंबर है, मतलब अगला होगा 7 पाई बाय 2, और इसको एक जनरल फॉर्मूला में हम लिख देते हैं 2m+1π/2। तो अगर पी या तो जीरो है, या तो जीरो होना चाहिए, या फिर पी 2m+1π/2, इस पे जो है हमको मिलेगा ब्राइट या मैक्सिमा। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये आप देखिए बड़े शानदार तरीके से यहाँ से मैच कर रहा है, ये देखिए आप, यहाँ पी जीरो था तो ये वन हो गया था, और इस इक्वेशन में रखने पे हमको केवल मिल रहा था आई नॉट, मतलब मैक्सिमम। तो अगर पी जीरो है तो मैक्सिमम मिलता, अब वही चीज़ यहाँ पे भी टैली हो रही, देखिए कि अगर पी जीरो है तो मैक्सिमम, मतलब ये वेरीफाई हो गया, अदरवाइज पी होना चाहिए 2m+1π/2। तो हम पी की वैल्यू फिर से लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, पाई ए साइन थीटा बाय लेमडा इक्वल्स टू 2m+1π/2, तो ये पाई से पाई फिर से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको जो मैक्सिमा की कंडीशन मिली वो हमको मिली है पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा 2m+1 लेमडा बाय टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया भाई कि ये जो है पार्ट डिफरेंस अगर इसके इक्वल होगा तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, एट द सेम टाइम पार्ट डिफरेंस अगर ये है तो हमको मिनिमा मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये फाइनली आपको मिल गई मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं कि और एलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें एक्सटेंशन चाहते हैं कि और हम अच्छे से इसको आंसर को लिख पाए। तो आप देखिए आपके इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन पी अपॉन पी का होल स्क्वायर। साथ ही साथ अभी आपको पता चला कि आपको जो है मैक्सिमा वो कहाँ पे मिला था, एक तो जीरो पे,
फिर आपको 3 पाई बाय 2 पे, फिर 5 पाई बाय 2 पे, एंड सो ऑन, सारे ऑड नंबर्स। तो जरा हम इसको रख के देखते हैं। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट, अब ये जीरो आपने रखा, तो अभी अपन ने देखा कि भाई साइन जीरो अपॉन जीरो टेंस टू वन, तो मतलब ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, सेंटर पे। ये अपन को मिलेगा सेंटर पे। लेकिन अगर हम पी 3 पाई बाय 2 रखें तो क्या होता है भाई? तो हम देखते हैं इसको यहाँ पे, साइन 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई बाय 2 होल स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आई नॉट अपॉन 21। अगली वैल्यू 5 पाई बाय 2, ये जब आप रखेंगे तो ये आएगा आई नॉट बाय 62। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है डिफ्रेक्शन में, अगर हम एक इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे आपको बनाना है। तो ये वाई एक्सिस पे जो है अपना इंटेंसिटी है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये आप पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि सेंटर पे ये सबसे ज़्यादा है आई नॉट, उसके बाद ये 21 टाइम्स कम हो गया, फिर 62 टाइम्स कम हो गया। मतलब डिफ्रेक्शन में जो डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है इसको अपन कहते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो डिफ्रेक्शन पैटर्न में ये हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे सेंटर सबसे ज़्यादा चमकेगा, उसके बाद वाला ब्राइट उससे कम, उससे बाद वाला ब्राइट उससे कम। अब थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छा करना है तो आप देखिए यहाँ पे कि कब आपको ब्राइट मिला था, जीरो पे। फिर अगला ब्राइट आपको कहाँ पे मिला था, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय। तो ये भी आप लिख देंगे तो यहाँ पे जो है ग्राफ और मीनिंगफुल हो जाएगा। ये इस तरीके से इतना आपको लिखना है स्टूडेंट्स, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।